तो गाइस ये है वो पोशाक। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस पोशाक को। स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज मैं गाड़ी में बैठ के ही स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। ये देखो गंदा बच्चा, जब देखा जब बदमाशी करता रहता है ये। तो गाइस अभी मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में। कल हमारा मार्केट बंद था जैसा कि मंगलवार था, ठीक है गाइस। तो आज आपके लिए शॉपिंग करेंगे या तो बिगर कैमरे, अभी बच्चों को छोड़ेंगे, कल इनकी छुट्टी है, पेपर तो चल ही रहे हैं, अब ट्यूशन वाली की छुट्टी है आज वैसे, तो इसलिए मैंने कहा चलो तुम भी, तो ये भी मेरे साथ हैं, कानू भी मेरे साथ है, क्योंकि मुझे गुंजन ने बुलाया है तो वो बोल रही थी एक दिन आ भी आ आ, आ, आ बातें करनी है तेरे से, तो उसके पास भी जाना है, तो देखते हैं वहाँ कौन कौन मिलते हैं। तो मैंने कहा तुम लोग चलो, फिर अब ये जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। और आज एक भाई साहब ने बोला वो गले का आपने लिया था, वो गले के भी लेके आना। तो देखो मैंने काफी दिन पहले लिया था वो गले का, तो अभी देखते हैं अगर है उनके तो जरूर बताएंगे। तो उस ज्वेलरी वाली शॉप पे भी जाना है मुझे, तो ज्वेलरी की शॉप पर ये इन पे डोल डाल के फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि भाई क्या क्या लेके आई हूँ। पी पी कर रहे हो गाड़ी में, ड्यू ड्यू, इतना बड़ा रोड पड़े हो, साइड में कौन जाओ। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको आगे। इतनी देर तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि फटाफट से काम करने हैं, बज गए हैं 2:30, तो टाइम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी फिर आप लोग काम धंधा बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ अब हम आ गए हैं, ठीक है गाइस। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लाल मंदिर और ये अब ये तिल में लगे, देखो वो उस करने लग गया। तो अभी ये जा रहे हैं मासी के यहाँ पे सोएगा, तो अभी चलते हैं, इनको छोड़ती हूँ और मैं एक बार जा आती हूँ झोट वाड़े, जो कि आप लोगों ने जो ऑर्डर कर रखा है उनके लिए। जाओ 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 जाओ, इसको सही तो कर लूँ मैं, ठीक है गाइस मिलते हैं आप लोगों को आगे। ये कह रही है ऐसे कर रहे हो आप। वो करते हैं हमारे। इसमें अभी पहुंच चुकी हूँ ज्वेलरी वाली शॉप पे, तो मेरे को देखो ये की गले का दिखाए है, ये देखो ग्रीन भी है रेड भी है, और इसके प्राइस पुलिस गारंटेड है, क्या है 950। हमारी ऑडियंस हिंदी वाली है, थोड़ा हिंदी में बताइए। 400, 500, 600, 800, 900 वो मतलब, वो मतलब अपने सभी लोग हैं, मतलब ऐसे पैन हाँ देखते हैं ना, तो उनको समझ में भी नहीं आता, वैसे कभी कभी मुझे भी नहीं आता समझ में। दिखाओ ये भी अच्छा लग रहा है। ये क्या प्राइस है? ये 850 का है, रिप्लेस पुलिस गारंटेड में। अच्छा पुलिस मतलब अच्छी है इसकी है। ये कानों के छोटे थोड़े बड़े बनाते ना कानों के, ये जो गोल्ड गले का तो अच्छा लग रहा है बस, याद आ गया ना इनका वीडियो बना के गए थे। एक तो देखो ये कलर भी है आज के, मतलब पहले बहुत चलता था, अभी भी बहुत काफ़ी चल रहा है और इसकी रेट भी सही है, और इस ये ग्रीन में ये रेड में, इसमें अच्छी क्वालिटी में भी है ना। हाँ इनकी दो क्वालिटी है इस, ये जो एक मिनट वाइट वाइट है, इसमें दो क्वालिटी है, एक ये क्वालिटी है, इनके दोनों कलर। दूसरी क्वालिटी का भी दिखाते हैं जो इससे बढ़िया वाली क्वालिटी है। तो इसकी रेट क्या रहेगी? इसकी रहेगी 400 रुपये, जो मतलब नॉर्मल क्वालिटी की है। अच्छा ये भी है, ऐसा नहीं ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा ही है। और अभी इससे अच्छी वाली क्वालिटी का भी दिखाते हैं। अच्छा ये वाली है अच्छी वाली क्वालिटी का, मतलब इसमें फ़र्क क्या होता है भैया इसमें और इसमें? थोड़ा स्टोन का होता है। अच्छा नगों का, हाँ। मतलब ये नगों का क्वालिटी है, स्टोन आते हैं, जड़ाई करे हुए आते हैं। अच्छा ये फ़र्क है इन दोनों में। तो इसकी क्या रेट रहेगी? इसकी रेट 850 रहेगी। ओके ठीक है। मोती ये है छोटे छोटे कानों के, देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये वो कौन से जर्किन क्या बोलते हैं वो वाले हैं ना, ये माइक्रोपोलिस के अंदर, माइक्रोपोलिस के अंदर तो डेली वेयर में। देखा ये निकालो, इसके इसके अंदर कोई लड़े हैं दो ना, अलग से देनी होती है। एक ये भी निकाल, ये इनकी प्राइस क्या है बता?
इनकी 200 रहेगी सिंगल पीस की। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है इसकी, इसका काम थोड़ा बढ़िया लग रहा है वैसे। इसकी क्या रेट है, ये ओरिजिनल वाला है क्या? जड़ाव के अंदर क्या प्राइस है इसका? 1100 रुपये। बहुत गर्मी हो रही है गाइस, इतनी गर्मी की बस पूछो मत। तो ज्वेलरी की शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ, बट मैंने शॉपिंग नहीं करी। एक भाई से ना कोई गले का मंगाया था कि इस टाइप का है क्या, मेरे पास है वो ज्वेलरी का, और रेंज भी उसकी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो वो लेके आई। वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, आप ब्लॉग में पूरे बने रहना। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग। आज ये मेरे को गोदाम में ले आए कि आप कलर ले लो, कौन कौन से लेने हैं ना इनके। इनकी ओढ़नी है, फुल ओढ़नी है जाल की, जो कि वो जो मेरा वाला सूट है उसकी ओढ़नी है ये फुल, एकदम फुल से फुल। हाँ, इस वाले सूट की है ये, ये वाला सूट जो मैंने पहना था उसके अभी कलर बनने के लिए गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे कल, आ जाएंगे कि आज आ जाएंगे। और ये कलर भी बहुत अच्छा है वैसे। बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, कर ली है शॉपिंग, अब चलते हैं। गुंजन का फोन आ रहा है, कहाँ रुक गई। मैंने कहा आ रही हूँ दस मिनट में। तो गाइस टाइम लग ही जाता है जाने आने में। मैंने सोचा कर लेती हूँ, पर निकल गई थी। तो चलो आज मिलते हैं वहाँ पे, करते हैं छोटी सी एक पार्टी। अभी पहुँच गई हूँ, थोड़े से कर लिए खुले बाल, और ये गुलाब हेरिटेज होटल है उसमें, जो कि गुंजन क्या कह रहे हो, कितना लेट करी है, हम बैठे हैं ये कार में, इतना इंतजार करवाया आपने। ये हैं हमारे फ्रेंड कमल जी, है ना, और ये हैं मिलिए हमारे गुंजन जी से, और ये हमारे अनीता जी से। इन्होंने मेरे को, मेरे लिए ये वेट कर रहे हैं काफी देर से, है ना। आप ही वेट कर रहे हैं लेकिन देर से, देखो सब से बैठे हैं, देखो थोड़ा एक सब गाड़ी में सेट किए हैं मैंने वाकंगा से। देखो गाइस, मुझे ये कान के बहुत अच्छे लगे हैं कमल जी के, और ये है गले का, और ये ओरिजिनल पॉलिश है जो कि मार्केट में है, वो नहीं, उससे भी बेटर। दूर से ही नजर पड़ गई मेरी तो इसके ऊपर, है भाई गुंजन, मिल जाएगा ना, कितने का मिलेगा? कान के वो है 1000 रुपए के सेट है ये पूरा, मतलब कान का तो मैं तो नहीं, मेरे लिए तो सच्ची में ही रख देना। वो क्या बोलते हैं, ब्रेंगा भाई साहब पहुंच चुके हैं हमारे बीच में, अंदर चलते हैं। ये हमारे गुंजन का होटल है, गुंजन गुंजन मालिक है इस होटल की भाई, है भाई गुंजन, बैठाती नहीं है, ये तो गलत बात है, आज बुलाया गुंजन, बर्थडे सेलिब्रेट करती। हाँ भाई, हमारी रेंज बनी जा रही है, ऐसे कर लो ना सारे, रुक जाओ। ये गाइस लो गर्मा गर्म समोसा सैंडविच और कॉफी, हमारा केक जो कि अभी हम कट करेंगे इसको। चलो रखना ना, मैं अपने आप रेडी जी जा रहे हैं पार्टी करके, बाय। हाँ नहीं, आपकी बात टाइम से आएंगे भाई, क्योंकि मेरे को आज काम था। कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है, देखो कौन सा नियम है भाई ये। लेकिन
कौन सा नियम है ये कॉफी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक? क्या हो गया? गुंजन कह रही इसमें रील बना लो। आज चलते हैं बाहर की तरफ। मैं घर नहीं जाने दे रही, कह रही तेरे को ऊपर रूम दिखा के लाऊंगी होटल के, तो मुझे क्या करना है होटल के रूम का? अच्छा ये वीडियो बनाएगी गाइस, ऐसे बोल रही वीडियो बनाएंगे और रूम के होटल के। ये फोटो शूट हो रही है। काफी दिन के बाद मैं बैठी हूँ गाइस मैं आज, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था इतने दिन से। तो चलो सोचा मैंने कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, तो थोड़ी सी देर फ्रेंडों के साथ में भी थोड़ी देर मस्ती होनी चाहिए। तो ये गुंजन ने रख ली छोटी सी पार्टी, सरप्राइज दिया मुझे इन्होंने। अभी फोटो खत्म नहीं हुई है और ये है गुंजन का होटल गुलाब पैराडाइज। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छे रूम वगैरह सब चीज़ है और बाईपास के पास में है। ये पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। सब मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, अब चलते हैं कानू के पास और काफी मजे करें, एंजॉय करें। बहुत मजे आए हमें वहाँ पे और अच्छा भी लगा। और अब चलते हैं घर पे, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि ये अभी कहाँ कहाँ घूम रही है, बट मजे आ रहे होंगे आपको देखने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी बहन के घर कानू के पास, क्योंकि मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी उनको। ठीक है गाइस, तो कोई छोटा सा बेबी भी है रे, मैंने कहो कौन है ये बैठे कुटर कुटर कर रहे हैं। गाड़ी में शूट करके अब चलते हैं ऊपर, डांट तो पड़नी है ही मुझे वैसे भी। हमारे जीजा जी ये हमारे जीजा जी कानू को लो गोदी में, कानू जा रहा है घर पे। चलो भाई बैठो गाड़ी में, रात हो गई है, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। अब उठाते हैं हमारी गाड़ी, चलते हैं घर, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे शॉपिंग करी जो। तो गाइस मैं अभी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ जूस वाले भैया के पास। तो मैं इतने पीती हूँ जूस, और एक भाई सा रही है सूट लेने के लिए, जो कि हमारे इधर ही किरणी फाटक के रहते हैं। तो उन्होंने सूट ऑर्डर किए थे, मैंने कहा मैं यहीं रहती हूँ मैं भी, तो मैं अभी उनको सूट देने के लिए पीछे रखे हैं। तो अभी वो आ रहे हैं, मैं इधर अंडरपास के पास में खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं इतने जूस पी लेती हूँ, वो बाइक से आ रहे हैं इतने, तो वो बाइक से आएंगे, वो उधर की तरफ रहते हैं, और मैं उधर की तरफ जाती हूँ तो थोड़ा उल्टा हो जाता, मतलब ये पार करके जाना पड़ता मुझे अंडरपास वगैरह ऐसे। बोलिए पाइन एप्पल का ही बना दो भैया, बढ़िया है। रोज निकल जाती हूँ, पर मैं पहले पीती थी, ये बेबी हुआ है ना उसके बाद में नहीं पिया। तभी तो आपको पहचान गई ये अभी खट्टी चीज वगैरह बंद कर रखी थी मेरी, इसलिए बंद कर दिया। तो बना दो पाइन एप्पल वाला बना दो, एक या दो, दो तीन, दो। ये जिया नहीं पिएगी, ये पिएगी, पिएगी तो तीन गिलास बनाना भैया। फोन आ गया भैया, रेके। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूँ घर पे और मैं अब फटाफट से बनाती हूँ वीडियो, आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना। तो लगाते हैं अपना फ़ोन स्टैंड में, या पहले मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। अब आज आ गई हूँ मैं घर पे, काफ़ी भाईसाओं के बहुत मैसेज थे कि जीजा क्लियरिटी से दिखाओ उसको है क्या वो चीज़। तो मैं आज आपको बिल्कुल पास से इस लाइट के अंदर, घर की लाइट के अंदर से ओरिजिनल चीज़ दिखेगी, जो भी है वो अच्छी है बुरी है कैसी भी है, आप लोगों के सामने है वो। तो चलो आज इसको खोल के दिखाते हैं। ये है मेरी आज की शॉपिंग, ये थैले भरे, ये बच्चे खिंडा के चले गए, ये डब्बे वगैरह और वो गले उले के। तो अभी चलो मैं आपको पहले खोल के दिखाती हूँ। ये पन्नी के अंदर है सूट, तो आप ये ऊपर वाला ही, चलो ये निकाल लेती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल। तो गाइस ये है वो पोशाक, अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस पोशाक को। ठीक है, आप वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हो जीजा ये कपड़ा क्या है, ये काम क्या है। तो ये जरी का काम है, आप लोगों को सबको पता भी है कि ये काम क्या है, बट आप मतलब ये सोचते हो कि 2200 रुपए में ये 2200 दे रही है, तो क्या पता ये हड़का कपड़ा तो नहीं है। तो ये देखो ये कपड़ा है, अब आप पास से बिल्कुल देखना, भगा भगा के वीडियो मत देखना। अगर आप वीडियो भगा भगा के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर पूरी में ये जाली है, ये ओढ़नी है, इसका ये पर्पल कलर है, कलर ये भाई साहब ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया है। ये है ओढ़ना इसका,
अब आप पास से देख लेना, जो भी है ये कुछ भी है पेवर है, ये मैं बता देती हूँ आपको। और इसमें काम क्या है, ओढ़ना पूरा है, ये तारे का इसमें वर्क है ऐसा बारीकी से। और ये जो धागे का काम है ये है, डबल शेड में इसमें कलर है। और फिर उसके बाद में है ये कुर्ती, कुर्ती का कपड़ा आपको लोगों को दिख ही रहा होगा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। ये इसमें आरी मगजी है, ये इसकी ये आरी मगजी है। अब इसके अंदर मैं आपको कलर दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से, कौन कौन से कलर है, जिन भाई साहब ने ऑर्डर किए हैं वही कलर है। एक्स्ट्रा अगर आप किसी को कोई चाहिएगा तो वो भी मिल जाएगा। आज के ये पार्सल है सारे भाई साहब के। तो चलो अब आप वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको इनके सारे कलर दिखाती हूँ। तो गाइस मैं अब आपको दिखा रही हूँ इनके कलर, जो कि अभी जो ऑर्डर किए हैं भाई साहब ने, जो सबसे ज्यादा पसंद किए हैं कलर, में वही कलर दिखा रही हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा ऑर्डर किए हैं, देखो कैसे मैं उनको बोली कि पन्नी तो आप दे देना, तो जिया भी पन्नी में डालने लग गई थी कि लो मम्मा मैं पन्नी में डाल देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाया अभी, भाई साहब को दिखाई नहीं है कि इनको कितना पसंद कर रहे हैं इन सूटों को। तो ये ऐसे उथल पुथल हो गई थी। तो ये तो है पिंक कलर, ये वाला पिंक डबल शेड में है, ये वाला और ये वाला आपको दिख रही होगी ना कैसी दिख रही है, वो वैसी है। अभी मैंने गहराई से दिखा दिया आपको कैसी है, इसमें जरी का सा ये काम है। और ये कपड़ा कौन सा है ये मैं थोड़ी कम ही जानती हूँ, कौन सा क्या है वो कपड़ा है ये, बट अच्छा कपड़ा है, जो भी है प्योर है अच्छी है। देखो एक कलर तो पिंक ज्यादा पसंद करें, एक ये बिगर पन्नी डलवा के लाई ना, उनके थान के थान रखे रहते हैं ना, फिर उधर से सारे कलर ही डले। एक कलर और ये दो कलर पिंक के, और एक ये तीन तो पिंक है, और तीन पिंक हो गई। ए दो रामा सिलाई पे गई गाइस, उन्होंने सिलाई भेजी थी, ये क्या नाम है ये रामा, इसमें थोड़ा सा गहरा कलर आ रहा है शायद, बट ये थोड़ा लाइट सा है या मतलब सेम ही दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। रामा कलर, रामा भी नहीं स्काई ब्लू है ये, रामा का भी मतलब रामा तो हो गया बहुत ज्यादा गहरा, और ये थोड़ा सा रामा से वो फीका है जो अपन कलर बोलते हैं, वो ये वाला कलर है ना जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये दो सिलाई पे गई है, एक भाई साहब ने दो का ऑर्डर दिया था, उन्होंने सिलवाई है ये पोशाक। तो तीन है देखिए चार हो गई, एक जो है मेरा जैसा कलर, और पार्सल जो पहले लेके आई थी वो हाथ के हाथ पार्सल लग जाते हैं, ये कलर है, ये भी अच्छा कलर है, नया कलर है, ठीक है। छः कितने हो गए, पाँच छः पता नहीं कितने। फिर ये अभी रक्षा जिया क्या नाम पन्नी में डाल के चली गई थी पर्पल, एक ये पर्पल है दीदी, और एक ये ब्लू कलर की है, और एक वो नीचे पर्पल पड़ी हुई है। पीयू देना उसको, उठा के देना बेटा जल्दी से, ओ अभी बिछा के दिखाइए उसको। ये एक तो पन्नी में डल रही है और एक ये है, जल्दी करो उठा के दो फटाफट से दो, आप तो खींच लो बस ऐसे लाओ ऐसे दे दो बस। एक ये री पर्पल जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाई है, तो ये तो है अभी। और तारी वाली गाइस, उसके अंदर भाई साहब ने कलर मेरा वाला सूट का पसंद करा था जो मैंने पहना था, उसके पांच छह वो आएंगे एक या दो दिन में, जिन भाई साहब ने ऑर्डर किया है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि भाई साहब वो एक या दो दिन में, परसों का नाम लिया है तो आपका पार्सल दो दिन तीन दिन में लगेंगे। टेंशन मत करना, बिल्कुल भी टेंशन मत करना, आपका पार्सल जरूर लगेगा। और फिर मैं एक लेके आई हूँ पोशाक, वो पोशाक भी अगर कहो तो मैं खोल के दिखा दूँ आपको। ये मैंने मेरी इंस्टाग्राम पे एक आईडी है ममता चौहान तंवर के नाम से, उस पे उन्होंने मेरे कलर की रील देखी थी कि भाई साहब इसमें आप वाला कलर ला के देना, ये है मतलब पर्पल भी नहीं बोल सकते तो ये कलर मतलब गहरा है, पर गहरा पर्पल वाला ये कलर है, और इसमें ये मगजी है, और ये इसका ओढ़ना है, अभी खोलेंगे तो इसकी चरक वगैरह सब चली जाएगी, ये वाला तो ये इसका काम है। कहें तो आपको पास से भी इसको दिखा दें, ये साटन है, इसमें कौन सी साटन है ये वाली, ये इसके ऊपर ये इन ऐसे तय करते हैं, भिज के इसके मारने छप गए, ये काम है इसके अंदर। तो एक पोशाक ये मंगाई थी,
कल दो पोशाक ऐसी और लानी है जो उनकी कलर नहीं थे उनके पास, तो बोल रहे थे कल मंगा देंगे। तीन पोशाक के ऑर्डर हैं यही इसी पोशाक के, और तारी वाली पोशाक के चार और चार पांच वो हैं, तो वो भी नहीं आई हुई है जिन भाई साहब ने ऑर्डर किए थे, तो वो तो पार्सल लगेंगे बाद में। फिर मैं एक ज्वेलरी वाली शॉप पे गई थी तो एक भाई साहब ने मेरे इवेंट के अंदर एक गले का पहन के देखा था, वो मतलब कोई शादी में या वैसे में पहन के पहना था मैंने, तो उन्होंने मेरी फोटो इंस्टाग्राम से खींच कर मुझे भेजी, तो वो ये उन्होंने ये वाला पसंद किया है जो कि आपको मैंने आगे रेट भी बताए थे उन्होंने क्या क्या बताया था। तो ये तो है गाइस, ये है 400 रुपए वाला, उन्होंने बताया था ना कि कलर कौन मतलब कि कौन कौन से, दो वैरायटी है इसके अंदर, ये है वो 400 रुपए वाला। 400 में कोई घाटा नहीं है, अगर दो तीन बार भी पहनेंगे अपन, करवा चौथ पे पहन लिया और उस पे पहन लिया, दीपावली पे पहन लिया, एक शादी अटेंड कर ली, तो पैसे वसूल है अपने। पहन के दिखाऊं? चलो मैं पहन के भी दिखा, इस पहनने के बाद में ये ऐसा लुक आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है ना, थोड़ा पास से दिखाऊं, आगे भी ले जाना थोड़ा सा, पूरा गला, उसके कान के भी बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको मतलब रेट बिल्कुल एकदम मतलब बजट होना चाहिए। देखो मेरी ऑडियंस मुझे पता है कौन कहाँ कहाँ से, गाँव के भी हैं शहर के भी हैं, और पैसे हुए तो क्या हुआ, कोई खराब करने वाले के लिए थोड़ी है। इसके कान भी खूब बड़े बड़े हैं, और मतलब ऐसे खराब नहीं है ये, आप सोच रहे हो कि भाई हल्के हैं या कुछ भी नहीं है, वैरायटी अच्छी है, बस पॉलिश का फर्क है गाइस। पॉलिश जो होती है, एक ओरिजिनल पॉलिश होती है, ओरिजिनल नग होते हैं, उनका फर्क है। तो ये 400 रुपए वाले हैं, तो 400 में सब खरीद सकते हैं इन कानों के, इस गले के देखो कितनी प्यारी रेट और कितना प्यारा डिजाइन, पूरा गला भर गया एकदम से। तो ये चाहिए तो ये भी बता देना, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो बहनें हैं वो सस्ती चीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं, अच्छा रेट हो उनके लिए, और मार्केट में ये 600 रुपए में मिलता है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। मैंने खुद ने लिया हुआ है, 800 रुपए का मेरे पास है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम से मेरी फोटो भेजी थी वो मैंने 800 रुपए में ख़रीदा था, जो कि वेराइटी यही थी, और बाद में इनके 1500-1500 रुपए थे, 1600-1600 रुपए थे जब ये फर्स्ट में आए थे, जब भीड़ मच गई थी भयंकर से, जिस टाइम लिया था मैंने, जब मैंने ये इसकी कॉपी ली थी जिस टाइम मैंने 800 रुपए का लिया था, आज इसकी रेट 400 रुपए है। तो इसको खोल लेते हैं फिर आप। तो गाइस ये था गले का, और एक भाईसा ने मेरे को मतलब ऐसे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करके भेजे थे कि भाईसा ये क्या ओरिजिनल है सोने का? नहीं भाईसा, ओरिजिनल तो 500 रुपए में 600 रुपए में आपको कोई नहीं देगा, उसके लिए तो आपको 20,000-30,000 रुपए काटने पड़ेंगे ओरिजिनल के लिए। बट गोल्ड पॉलिश है ये, मतलब किस चीज़ में, 2 महीने तो देखो मैंने हाथ में पहने हुए हो गए हैं, रक्षाबंधन से पहले ही पहन रखा था, गोल्ड वाला नहीं है ये, आर्टिफिशियल वाला है। आप सोचो कि पागल बना रही हो गोल्ड वाला पहन के और बोल रही हो कि ये खराब नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, 500 रुपए में कोई चीज़ बेच के कोई खराब नहीं होता। तो ये अच्छा है बिल्कुल, मैंने ये जो फर्स्ट में बनवाया था ना ये घूघरी वाला, ये इसमें घूघरी डाली, इसमें पाथड़ी डाली, इसमें क्या क्या डाला, ये मेरे 1500 रुपए का पड़ा था। सोने जी से ये घूघरी डलवाई थी 4, ये 350 रुपए की ली है उसने, पाथड़ी और 4 घूघरी बनाई उसने। ये मैंने ये जयश्री ज्वेलर से लिया था 600 रुपए का, ये वाला खाली ये और ये। फिर उसके अंदर बाद में मैंने ये एक ये खरीदा काला काला, उसके अंदर ये मोती सोती डाले वाले, फिर ये ऐसे बनाया, तो ये ऐसे करके मेरे को 1500 का पड़ा। फिर उसके बाद में गाइस मैंने एक छोटे छोटे कानों के लिए, क्योंकि मेरा कान बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी गोल्ड के तो निकल के पड़ जाते हैं, ध्यान रखना पड़ता है मुझे। ये देखो ऐसे निकल के, ये गोल्ड के हैं ये सुई धागे के, अब ये ऐसे निकल जाते हैं देखो ऐसे इसमें, तो इसलिए मैं एक नकली लेके आई हूँ कानों के, ऐसे निकल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखती हूँ, गोल्ड के हैं ये देखो ये, तो ये 2-3 बार गिर लिए, लेकिन वही होता है ना कि मिल जाते हैं ये। तो फिर आज मुझे एक छोटा सा प्यारा सा डिजाइन दिखा तो मैं लेके आई, मैंने कहा चलो आज एक नकली चीज भी पहन के देखते हैं, तो नकली भी पहन लेते हैं असली भी पहन लेते हैं, ऐसी कोई बात, इतने बड़े आदमी नहीं है कि गोल्ड ही पहन के घूमे, नकली भी पहन के भी, नकली पहन रखा है हाथों में, नकली पहन रखी सब पहनते हैं, और नकली आजकल नकली बढ़िया चीज चलती है, कहीं खो जाए तो गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो वाला हाल है, कौन बताएगा कि नकली है कि असली है, कोई नहीं बताएगा ना। तो ये है, तो वो कानों के जिया रख दे, ये रहे देखो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, इसकी पॉलिश बहुत अच्छी है, बट ये मांगना मत आप, है ना, ये डिजाइन नहीं मिलेगा आपको, मैंने वीडियो में दिखाया ना उनमें से कोई भी डिजाइन मिल जाएगा,
ये वाला डिजाइन नहीं मिलेगा आपको, यूनिक सा जैसे गोल्ड वाला वो है, गिरी गया ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटे छोटे। अब मैं सोच रही इनको हल्के के लाइट वेट के लाइट वेट में क्या इनको पहने, ये लाइट वेट के लाइट वेट रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे बिल्कुल, है ना। तो आज की शॉपिंग यही थी, और भी कुछ थी और कुछ नहीं, जो सूट लेके आई थी वो भाई साहब को ले आई थी, मैं दी आई थी, और वो 4 मीटर वाले जो हैं वो भी हैं उनके, और रूप लक्ष्मी की जाऊंगी मैं कल, जो कि उनके लफ्फे के सूट आने वाले हैं, कल का नाम ले रहे हैं वो, कल आएंगे कल आएंगे। तो कोई किसी को चाहिए तो आप बता, पर डिजाइन कौन सा आएगा ये नहीं पता गाइस, है ना। तो आज की शॉपिंग यही थी, और आपके अगर जिन भाई साहब एक बार मैसेज जरूर कर देना कि जीजा ये, मैं आपको हर बार बोलूंगी, और आप अपने मन से भी मैसेज कर देना अगर आज का ब्लॉग, क्योंकि रोज रोज कोई ब्लॉग भी नहीं देखते हैं, काफी भाई साहब एक ब्लॉग देख लेती है दूसरा ब्लॉग नहीं देखती है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका पार्सल नहीं लगा, लग गए वैसे तो सबके पार्सल लग ही रहे हैं, मैं ये तो है नहीं कि मैं रोज शॉपिंग करके मेरे को अलमारी में जचाने ये कपड़े, नहीं आप लो, आप लोग ले रहे हो उनके लिए पहुंचा रही हूँ। तो जिन भाई साहबों के अगर पार्सल नहीं पहुंचे हैं वो मुझे अभी मैसेज करें कि भाई साहब पार्सल लगा दिया क्या, जिनके पास पार्सल की फोटो चली गई उनके तो लग गए हैं, जिनके पास पार्सल की फोटो नहीं गई है तो वो एक बार मुझे जरूर मैसेज करें कि भाई साहब पार्सल लगा दिया क्या। 3 दिन 4 दिन में नहीं पहुंचे तो भी मुझे मैसेज करें कि जीजा पार्सल नहीं पहुंचा है, मैं कोरियर वाले से पूछ के बता दूंगी कि ये पार्सल आपका कहाँ है। काफी पार्सल रिसीव हो जाते हैं जिन एड्रेसों पे पहुंचते हैं, फिर उन भाई साहबों को बोलना पड़ता है कि भाई साहब आपका पार्सल जहाँ आपने एड्रेस दिया था वहां पे रखा हुआ है। तो ऐसा ना करें, फोन उठाएं, पार्सल वाले का भी उठाएं, पार्सल वाले से भी पूछें अगर नहीं आ रहा है तो हमसे भी पूछें। तो ये है आज का न्यूज समाचार, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है गाइस। तो लाइक जरूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।